नमस्कार, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। जैसा कि मगध यूनिवर्सिटी पाठठ के RLSY स्टूडेंटों को पाठठ की परीक्षा जो कि 1 दिसंबर से चल रही थी उसमें वंचित कर दिया गया था दोस्तों, इसके रिकॉर्डिंग मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया था तो आप लोगों ने उस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस कारण से काफ़ी सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया। कल मैंने आपको नाइट में ही ये वीडियो प्रोवाइड कराया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी जहानाबाद RLSY कॉलेज पाठठ परीक्षा का डेट आ गया, ऐसा मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया था। यहाँ पे देख सकते हैं 18 आवर्स एगो ये वीडियो पोस्ट किया गया यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल पे आकर विजिट करके सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए थे तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर आपको करना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट लगातार परेशान रह रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों ने इस वीडियो को वॉच नहीं किया, यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 225 व्यूज़ दिखा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है तो सिर्फ आप अपना इन्फॉर्मेशन देखते हो कि हाँ मेरे काम का है या नहीं है, उसके बाद आप लोग आगे दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हो। तो यार आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर किया करना और ताकि उन जरूरतमंद स्टूडेंटों तक वीडियो आसानी से पहुँच जाए और वे लोग जो काफ़ी परेशान रह रहे हैं उनके पास ये वीडियो जाने के बाद जो थोड़ा सा भी उनके माइंड में कन्फ्यूजन रह रहा होगा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ ऐसे वीडियो को शेयर जरूर करना जब मैं आपको शेयर करेंगे स्पेशली बोलो तो सबसे पहले आप कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं जो किस्तनी तो हमारे चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह से जो सब्सक्राइब का यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन जैसे आप ओपन कीजिएगा सब कुछ क्लियरली आपका आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में आपको एक बेल आइकन करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जो भी आपको वीडियो पोस्ट करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों पूरा कंप्लीटली हम बात करने वाले हैं कि RLSY जो जहानाबाद में कॉलेज है इसके स्टूडेंटों का क्या हुआ, और कल ही मैंने आपको रात में वीडियो बना के प्रोवाइड कराया था दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको पेपर का आर्टिकल देखने के बाद बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आपको ये अपडेट दिया था वहाँ के कॉलेज से मेरा बात हुआ, उसके बाद काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट अपडेट पर लेने के बाद फिर मैंने आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराया था कल रात में। प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखना एक बार दोस्तों, आपको पता चल जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो आइए हम पूरा अपडेट आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट दिया गया है RLSY कॉलेज स्टूडेंटों के लिए, तो और आगे उनका क्या होगा दोस्तों सब कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं, उनका एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या नोटिफिकेशन दिया गया मगध यूनिवर्सिटी की ओर से RLSY कॉलेज को। देखिए यहाँ पे ये एक नोटिस दिया गया है मगध यूनिवर्सिटी की ओर से, और ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या कुछ लिखा गया है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ, तो आप एक मिनट वेट कीजिए, मैं वो वाला यहाँ पे अपडेट आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा इमेज अभी आपके सामने चल रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इमेज आपके स्क्रीन पर शो होने लगा है दोस्तों। तो मगध यूनिवर्सिटी बोध गया ये एक ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन स्टूडेंटों का करियर जो बर्बाद हो रहा था वो उनका लाइफ बच जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को रीड करके आपको बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया मगध यूनिवर्सिटी की ओर से आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ लिखा गया, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा गया सेवा में प्रधानाचार्य महोदय रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय जहानाबाद। आपको याद होना चाहिए दोस्तों इसका एग्ज़ाम नहीं मिला था देने के लिए आप लोगों को, जो अगर इसके स्टूडेंट होंगे तो काफ़ी सारे लोगों ने आक्रोश होकर के यहाँ पे सर एग्ज़ाम वगैरह किया था, उसका भी मैंने आपको पूरा अपडेट देते रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली कि जो जहानाबाद RLSY कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो हम इसको जो विषय है वो क्या है इस पूरा लेटर का, तो इसमें लिखा गया स्नातक तृतीय खंड परीक्षा 2018 का परीक्षा प्रपत्र जमा करने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषयक परीक्षा समिति के लिए गए निर्णय के आलोक में सूचित करना है कि आपके महाविद्यालय में नामांकित स्नातक तृतीय खंड परीक्षा 2018 से वंचित रह गए छात्र छात्राओं को एक अवसर प्रदान करने हेतु, मतलब कि यहाँ पे अब मगध यूनिवर्सिटी की ओर से साफ साफ आपको बोल दिया गया है कि आपको एक अवसर दिया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, तो प्लीज़ आप इस अपॉर्चुनिटी को मत मिस कीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट मिसगाइड हो गए थे कि अब मेरा क्या होगा नहीं होगा, फिर वे लोग अपना आस विश्वास सब कुछ तोड़ चुके थे कि हमारा एग्ज़ाम दोबारा से होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी ने साफ साफ आपको यहाँ पर बोल दिया है कि आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ मैं उसको रीड करके बता दूँ ताकि आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। उसके बाद लिखा गया प्रदान करते विशेष परीक्षा आयोजन हेतु उन छात्र छात्राओं का परीक्षा प्रपत्र यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म अपने महाविद्यालय यानी कि इनटेक कैपेसिटी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के शपथ पत्र के साथ विशेष विलम्ब शुल्क 1000 रुपये प्रति छात्र के साथ
दिनांक 2/1/2019 तक विश्वविद्यालय में जमा कराएं। ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया इन कॉलेज को। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कल नाइट में ही वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है। सब कुछ क्लियरली यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी भी आपके फेवर में है। तो अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो 1,000 रुपया है वो हमसे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी ने तो आपको साफ साफ बोल दिया है कि ये जो 1,000 रुपया है दोस्तों वो आपको प्रति छात्र देना पड़ेगा विलम्ब शुल्क के साथ, ठीक है। तो आपके माइंड में ये सवाल आना लाजमी है, ये ऐसा आ रहा होगा। तो हम आपको अब यहाँ पर एक पेपर का आर्टिकल दिखाते हैं जो इस बात को प्रूव करेगा कि आपका 1,000 रुपया कौन पे करेगा, आप कीजिएगा या फिर आपका कॉलेज करेगा, क्योंकि आपने पैसा पहले यहाँ पे दे दिया है। दोस्तों अगर आपका कॉलेज देने के लिए तैयार हो तो प्लीज़ आप अपना पैसा मत देना, क्योंकि आपका 1,000 रुपया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक पेपर का आर्टिकल दिखाते हैं जो कि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म किया गया पेपर के माध्यम से। तो आइए हम आपको पेपर का आर्टिकल दिखाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं क्लियरली पूरा मैंने आपको रीड करके बता दिया क्या कुछ दिया गया। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इंटेक कैपेसिटी, अगर आपके पास कैपेसिटी है एफिलिएशन लेने का, आप अगर एफिलिएशन के लिए अनुमोदन दे सकते हैं, आप जांच करवा सकते हैं अपने कॉलेज का, तभी आप अपनी जगह से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, वरना किसी और कॉलेज से करवा सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। और इनका भी रिजल्ट दोस्तों साथ में ही आएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो हम आपको पेपर का आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें सब कुछ क्लियरली आपके लिए अपडेट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपर का आर्टिकल है दोस्तों, छात्रों को मिला परीक्षा देने का मौका। आप यहाँ पे ये आर्टिकल देख सकते हैं। स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा से वंचित रह गए राम लखन सिंह यादव कॉलेज के छात्रों को मगध विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति ने राहत दी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये राहत भरा न्यूज़, ये आपका यहाँ पर है जहानाबाद के उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने RLSY में एडमिशन लिया होगा दोस्तों अपना। तो बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों आपके लिए, यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या कुछ क्लियरली लिखा गया है। तो इन छात्रों के लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने कॉलेज प्रशासन को भेजे पत्र में विलम्ब शुल्क के साथ छात्रों का परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय में जमा करने को कहा है। परीक्षा नियंत्रक ने भेजे पत्र में कहा है कि प्रति छात्र 1,000 रुपया विलम्ब शुल्क के साथ सभी छात्रों का परीक्षा फॉर्म 2 जनवरी तक विश्वविद्यालय में जमा कराया जाए। बता दें कि कॉलेज प्रशासन द्वारा करीब 800 छात्रों का परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय में नहीं कराया गया था। नतीजन कई सारे स्टूडेंट पाठ्यक्रम की जो 1 दिसंबर से परीक्षा शुरू हुई थी उसमें वंचित रह गए थे। वंचित छात्रों ने आक्रोश होकर के आंदोलन भी किया था दोस्तों, रोड जाम चक्का जाम सब कुछ इन्होंने किया था, अपने हक के लिए किया था दोस्तों। तो फिर वहां के जो DM थे उन्होंने एक लेटर लिखा राज्यपाल के पास और यूनिवर्सिटी के पास, और उन्होंने साफ साफ कहा कि स्टूडेंटों की कोई गलती नहीं है, इनका भी एक पर स्पेशल एग्ज़ाम किया जाए। और यहाँ पे उनकी बातों को मानते हुए विश्वविद्यालय ने इस बात को एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया दोस्तों कि आपका जो परीक्षा है वो हम एक स्पेशल परीक्षा ले गए और आपका जो लाइफ है वो बर्बाद नहीं होगा। सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुलपति ने भी सब कुछ बताया है कि नए सिरे से फॉर्म भरेंगे हम आपका, उसके बाद हम आपका यहाँ पे 1,000 रुपया जो शुल्क लगेगा, क्योंकि मैनेजमेंट करने में पैसा लगेगा, क्योंकि ये फ्री में तो कर नहीं सकते दोस्तों, आप चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर आएगा, एग्ज़ाम लगा, सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा, तो आप इस सब चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि आपका जो पैसा था वो आपके कॉलेज के पास था, यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा था। जब यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा था इस यही कारण था कि आपका जो एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए 1,000 विलम्ब शुल्क लगेगा, जितना पैसा आपका लग रहा था उसके बाद 1,000 रुपया विलम्ब शुल्क के साथ आपको आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद 2 जनवरी से पहले आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अपने विश्वविद्यालय मगध यूनिवर्सिटी में जमा कर देना है। RLSY स्टूडेंटों के लिए दे रहे दोस्तों न्यूज़, प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ को शेयर कीजिएगा ताकि हर एक छात्र इस फॉरम को फिलअप कर पाए और हमारा बनाया गया वीडियो दोस्तों एक तरह से यहाँ पे सही साबित हो पाए, क्योंकि हमने आपको रात में भी इन्फॉर्म किया था। लगातार कई सारे स्टूडेंट हमसे सवाल कर रहे थे कि सर हमारा क्या होगा, तो हम भी वही बात बोल रहे थे आप लोगों को कि आपका है एक स्पेशल एग्जाम लिया जाएगा। तो यही सब चीज़ें निकल के आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आप सोच सकते हैं एक स्टूडेंट हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंटों का लाइफ बर्बाद होते कोई भी राज्य सरकार नहीं देख सकती है। और एक स्टूडेंट की क्या बात है, एक स्टूडेंट अगर होता तो उसका भी एक स्पेशल एग्जाम हो जाता या फिर उसका एक एडमिट कार्ड जारी कर दिया था Part 1 और Part 2 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी जो भी हो एनीवे सब कुछ आपका राहत भरा न्यूज़ है दोस्तों RLSY स्टूडेंटों के लिए जो कि काफ़ी परेशान थे। तो बहुत बड़ी अपडेट है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारा पैसा कौन पे करेगा 1,000 रुपया अगर आपने पहले ही पैसा दिया होगा तो यहाँ पे देखिए कॉलेज के सचिव
ठीक है, कॉलेज के जो सचिव जो मैनेजमेंट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने बोला है चंद्रिका प्रकाश यादव कि छात्रों के सभी तरह के परीक्षा शुल्क का भुगतान कॉलेज की कमेटी करेगी, छात्रों को अपनी जेब से विलंब शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोला है दोस्तों, काश ऐसा सब कुछ हो जाता तो आपके हित में ही होता। तो यहाँ पे इनकी बातों को अमल करते हुए अगर हम देखें तो आपका जो पैसा है वो पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। जो 1000 रुपया और भी जितना भी शुल्क लगेगा इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहला पैसा पहले ही पेड कर दिया है, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज की कमेटी करेगी, छात्रों को अपने जेब से विलंब शुल्क देना नहीं पड़ेगा, ऐसा अपडेट किया गया दोस्तों। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, पूरा मैंने आपको कंप्लीटली यहां पे निचोड़ करके आपको इसका पूरा डेट अपडेट दिया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप जहानाबाद RLSY स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी राहत भरा न्यूज़ है। और अगर आप वहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को अपने उन स्टूडेंटों तक शेयर कीजिएगा जो इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। प्लीज़ उन स्टूडेंट तो जरूर इस वीडियो को पहुँचाइएगा दोस्तों। ओके, बाय।